इस्लामाबाद के लोगों को अंडर पास के वजह से यहाँ की जनता को काफ़ी कठिनाई काफ़ी दिनों से था और काफ़ी लोग परेशान थे। और सबसे दुखद स्थिति था कि ऐसा स्थिति था कि लोग पानी रहने की वजह से आते जाते कभी गिर जाते थे तो चोट तो लगता ही था, माने मौत का भी घटना घट सकता था, ऐसा स्थिति बना हुआ था। उसके लिए 3 वर्षों से हम भी प्रयासरत थे कि किसी तरह से यहाँ फ्लाई ओवर का मंजूरी मिले और फ्लाई ओवर बने, और फ्लाई ओवर बनने के बाद ये अंडर पास से जहानाबाद के जनता को निजात मिले और लोग आवागमन सुचारू रूप से कर सकें। उसी क्रम में इधर पार्लियामेंट चल रहा था तो उसमें हम आदरणीय मंत्री गडकरी जी से मिले और आग्रह किया और उन्होंने इस बात का निर्देश दिया संबंधित पदाधिकारी को बुलाकर वहीं पर कि इस काम को जल्द से जल्द कराया जाए। और पदाधिकारी के द्वारा, भारत सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा निर्देश दे दिया गया बिहार सरकार के, जो रोड के यहाँ प्रभारी पदाधिकारी हैं उनको, कि जल्द से जल्द DPR बनाकर और इसको भेजें। हमको लगता है कि मार्च के अंत तक इसका DPR बन के चल जाना चाहिए और बहुत जल्द आदरणीय मंत्री जी का यह आदेश है कि पैसा कोई कारण नहीं बनेगा, इसलिए हमको लगता है कि जहानाबाद की जनता को इस समस्या से बहुत जल्द निजात मिलेगा। और उसमें प्रक्रिया भी शुरू हो गया है, उसका पत्र भी भारत सरकार से आ गया है बिहार सरकार को, और बिहार सरकार से यहाँ के संबंधित जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास भी आ गया है, शायद वो पत्र आप लोगों को मिल गया होगा। तो हमको लगता है कि अब एक बहुत बड़ा जो समस्या था उससे जहानाबाद की जनता को निजात मिलने जा रहा है। कब तक बन करके तैयार हो सकता है? देखिए, ये तो प्रक्रिया है, इसमें अभी तो इसका DPR बन के जाएगा, वो अप्रूव्ड होगा, उसके बाद नक्शा जो है वो अप्रूव्ड होगा, अप्रूव्ड होने के बाद जो प्रक्रिया है विभाग का, वो विभाग प्रक्रिया पूरा करेगा। और एक बात और हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि संयोग से हम आ रहे थे दिल्ली से, तो एयरपोर्ट पर बिहार सरकार के जो सचिव हैं परिवहन विभाग के, रोड ट्रांसपोर्ट विभाग के, उनसे हमको मुलाकात हो गई और हम इस बात की चर्चा उनसे भी किया और उन्होंने भी बड़ा तहे दिल से इस बात का समर्थन किया और कहा कि जब वहाँ से आदेश आ गया है इसको हम बहुत जल्द पूरा करवा देंगे। यहाँ पे और भी जाकर ऐसा स्थिति है, लोगों को समस्या है तो हम जा कर के देखेंगे और देख करके उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उसको पूरा किया जाए, उसको बनवाया जाए जिससे कि यहाँ के जनता को तकलीफ ना हो।